तो यहाँ पर मैंने रख दी थी कढ़ाई, और इसमें मैंने रायजीरा डाल दिया है, ये चटक गए हैं। तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है, और ये भी फ्राई हो गई है। तो इसमें अब डालूँगी मैं आलू और मटर। मुझे बनानी है मेथी और मेथी की सब्ज़ी, तो इसमें आलू मटर भी मैं डाल देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं ये आलू मटर फ्राई करने लगी हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर बैठी हैं अम्मा जी, और ये हाथ सेक रही हैं क्योंकि सर्दी हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ती है, और यहीं पर खेल रहे हैं बच्चे, आप लोग देख सकते हैं स्टूल में बैठे बैठे। तो ये फ्राई हो गए थे आलू मटर, तो इसमें मैंने डाल दिया मेथी की भाजी जो मैंने बॉस करके कट करके रखी थी। तो ये फ्राई हो गई है, थोड़ा सा पिचक गई है। तो इसके बाद मैंने डाल दिए टमाटर इसमें, और अब मैं डालूँगी इसमें मसाले, तो हल्दी मिर्ची धनिया किचन किंग गरम मसाला, बस यही है। और तो ये अच्छे से पक गई है, ये देख सकते हैं आप। 2-4-5 मिनट तक मैंने इसे पका लिया था, और अब मैं इसे उतार लूँगी चूल्हा से। तो आप लोग देखिए, ये देखिए, तो मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे प्लेट में निकाल लिया था। तो सब लोगों ने खाना खा लिया, और मैंने झाड़ू पोंछा सब कुछ काम निपटा लिए हैं, और बच्चे रह गए थे नहलाने के लिए, तो मैंने इन्हें भी नहला दिया है, और यहाँ पर आकृति को कर रही हूँ तैयार। तो ये अभी रो रही है, आप लोग देख सकते हैं कैसे करती है, क्योंकि ये रोती है ऐसे, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया तो ये रोने लगती है। और ये पता है सर्दी ज़्यादा पड़ रही है हमारे यहाँ, तो 2-3 दिन में बच्चों को नहलाती हूँ, तो इसे मैंने आज नहला दिया है, इस वजह से रो रही है, कह रही मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। और आज ही धूप निकली थी, क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं निकलती है, धूप निकलती है तो गलन ज़्यादा रहती है, हवा चलती है तो सर्दी ज़्यादा लगती है। इस वजह से जैसे ज़्यादा हवा ना चली और ज़्यादा तेज़ से धूप निकलती है, तभी मैं इनको नहलाती हूँ 2-3 दिन में गर्म पानी करके। तो ये मैंने नहला दिया। तो अंश को देखिए आप, ये खुद से ही कपड़े पहन लेता है, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, ज़्यादा नहीं बनता है फिर भी पहन लेता है, क्योंकि आज सर्दी है और इसे तैयार करूँगी तो फिर ये बैठा रहेगा, तो इसलिए वो पहन लेता अपने हाथ से। तो ये देख सकते हैं, इसके मैं शर्ट की बटन लगा रही हूँ, और आकृति को मैंने कर दिया है तैयार। ये अभी मोबाइल को देख करके हंसने लगी है, वरना रो रही थी। तो मैं अभी इसके वैसलीन लगा देती हूँ फेस पर, क्योंकि सर्दी है ना, तो फेस जो रूखा रूखा हो जाता है चेहरा, तो इस वजह से मैं इनके वैसलीन लगा देती हूँ दोनों को। रात में भी लगा देती हूँ सोते समय, थोड़ा सा गर्म पानी करके मुंह धुल के लगा देती हूँ, ताकि इनके गाल ना फटे। और यहाँ पर मैं अंश के कोचिंग का काम बता रही थी, क्योंकि अभी उसे कोचिंग भी जाना है, पर पूरा काम कर लेता है शाम को, लेकिन जो थोड़ा सा बचा था उससे नहीं बन रहा था, तो वही मैं बता रही हूँ। 1, 2, 3 के नेम लिखने हैं, और यहाँ पर अमरूद भी मैंने काट के इनको दे दिया है। और तो दोस्तों अभी हो गई है इवनिंग, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खोया, और कल है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति कल के लिए। और यहाँ पर मैं खोया को बना लेती हूँ। तो ये देखिए, सब लोगों ने खाना खा लिया था हमने, तो मैंने कहा खोया बना देती हूँ, इसके बाद बर्तन धुलूँगी। तो ये खोया बन करके हो गया तैयार, और जो कटोरे में रखा है आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कल रात को ही बनाया था। और इसके बाद से मैं इसे देख रही थी, कुछ है तो नहीं है, क्योंकि बोल रहे थे ये कि चींटी है, तो मैंने देखा तो उसमें कुछ नहीं था, उन्हें ऐसा लगा था। तो ये देखिए, मैं इसे निकाल के रख देती हूँ। तो दोस्तों मैंने खोया को निकाल दिया है, और आप लोग देख सकते हैं सामने बाथरूम में कुछ भी नहीं, मैंने पूरे बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। और अभी मैं साफ़ कर रही हूँ गैस को, वरना वैसे गैस मेरी गंदी नहीं रहती है, क्योंकि मैं खाना इसमें बनाती नहीं हूँ, और जब भी मैं पोछा करती हूँ सुबह तो किचन में, तो इसे क्लीन कर देती हूँ, और शाम को जब खाना आना बन जाता है तो मैं चूल्हा उल्हा साफ़ करती हूँ, तो भी मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। इस वजह से ये गंदी नहीं रहती है, फिर भी मैं इसे साफ के दे रही हूँ, अच्छे से पोंछ दूँगी। और ये देखिए, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच किया करिए प्लीज़। और तो ये देखिए, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं सब जगह साफ कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर अम्मा जी थी, तो उनसे ही मैं बातें कर रही थी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने किचन को क्लीन कर दिया है, और अभी यहाँ ये बर्तन वाली डलिया थी ना यहाँ पर, तो इसे मैंने हटा के दूसरी जगह रख दिया है, तो ये स्लिप खाली है पूरी। तो